नमस्कार आवाज इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है मैं हूं सलोनी शर्मा इस वक्त की बड़ी की बड़ी खबर ओर जिला प्रशासन एवं वाग धरा संस्था के संयुक्त तत्वाधान में एक मई को जिले की सभी ग्राम पंचायतों मजदूर दिवस का आयोजन रखा गया मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में श्रम विभाग बांसवाड़ा कुलदीप सिंह शक्तावत के संदेश के अनुसार भवन एवं अन्य सन निर्माण कल्याण मंडल की योजनाए श्रमिकों के लिए किस प्रकार हितकारी है वे इसे कैसे लाभ ले सकते हैं बताया वाग संस्था के सचिव जयेश जोशी द्वारा इस दिवस को विशेष रूप में मनाने को लेकर बात की गई मजदूर दिवस की आवश्यकता क्यों है एवं आज का मजदूर किस प्रकार से अपने हितों के लिए बात करे इसको लेकर बात की गई इसी प्रकार ग्राम पंचायत बडलिया में मजदूर दिवस का आयोजन किया गया जिसमें संस्था के हेमंत आचार्य द्वारा मजदूर दिवस के महत्व को लेकर वहाँ के लोगों से बात की गई एवं जब हमारे यहाँ के मजदूर बाहर काम के लिए पलायन करते हैं तो उनकी पहचान एवं अपने हक के लिए किस प्रकार का दस्तावेज होने चाहिए और ये उनके लिए किस प्रकार उपयोगी है साथ ही श्रमिक कार्ड एवं ई श्रमिक कार्ड के अलग अलग उपयोगिता बताई गई वे श्रमिक कार्ड से जुड़ी योजनाएं जैसे प्रसूति सहायता योजना निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना सामान्य एवं दुर्घटना में मृत्यु या घायल होने की दशा में सहायता योजना सिलिकोसिस पीड़ित हितकारियों हेतु सहायता योजना निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना निर्माण श्रमिक श्रमिक औजार टूल किट सहायता योजना निर्माण भविष्य सुरक्षा योजना निर्माण श्रमिक हेतु व्यवसायिक ऋण योजना इत्यादि योजनाओं के बारे में बताया गया सहजकर्ता रमेश प्रजापत ने बताया कि श्रमिक कार्ड हेतु नब्बे दिवस का नियोजक प्रमाण पत्र किस प्रकार से, प्रकार से प्राप्त कर सकता है महात्मा गांधी नरेगा में ग्राम विकास अधिकारी द्वारा काम की ऑनलाइन जानकारी निकालकर दिनों को प्रमाणित कर सकता है अथवा यदि मजदूर किसी निजी मकान के निर्माण का कार्य करता है तो वो श्रम विभाग द्वारा निर्धारित फॉर्मेट में संपत्ति के मालिक द्वारा जितने दिन कार्य किए उसका प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है साथ ही मालिक का आधार कार्ड एवं हस्ताक्षर आवश्यक होता है अथवा यदि मजदूर किसी ठेकेदार के पास काम किया तो श्रम विभाग द्वारा निर्धारित फॉर्मेट में ठेकेदार द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है इसकी जानकारी लोगों को पूर्ण रूप से दी गई जिससे वे श्रमिक कार्ड का पूरा पूरा लाभ ले सकते हैं ग्राम पंचायत के सरपंच रमेश भगोरा ने आभार जताते हुए बताया कि श्रमिक कार्ड हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर कैंप का आयोजन भी किया जाएगा एवं श्रमिकों को इसका पूर्ण लाभ दिया जाएगा